खाटू तो सियाळो भलो उनाळो अजमेर नागाणो नित भलो सावण बीकानेर। आज हम बात करने वाले हैं नागौर के बारे में जो राजस्थान के बीचों बीच बसा हुआ है। नागौर की धरती पर मीराबाई का जन्म हुआ, जाम्बोजी व कर्माबाई की जन्म स्थली भी है। वहीं अमर सिंह की वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है नागौर। इन्होंने साझा पर भरी सभा में जान से मारने के लिए हमला किया, लेकिन पीछे के दरवाजे से भाग निकला साझा। दोस्तों, नागौर से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगा मैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आएगी। लेकिन दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने शहर का नाम नीचे जरूर लिखिए। महाभारत काल में इस क्षेत्र को अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अहिच्छत्रपुर का अर्थ होता है नागों की छत्र छाया में बसा हुआ नगर। यहाँ नागौर की धरती पर नागवंश की जाट शाखा के राव पदवीधारी जाटों ने 200 वर्ष तक राज किया। सांबर व नागौर चौहानों के मूल स्थान थे। भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही नागौर उनकी शक्ति का केंद्र बन गया था। नागौर महाराणा कुंभा के अधीन भी रहा। 15वीं व 16वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम शासकों की नागौर की राजनीति में दिलचस्पी रही। सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह आदित्य ने नागौर पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मुगल काल में अकबर के 9 रतन थे। उनमें से एक रतन नागौर का था, जिसका नाम था अबुल फजल, और भेजी के पिता शेख मुबारक नागौर के ही रहने वाले थे और नागौरी कहलाते थे। सम्राट अकबर के समय में नागौर के मुगल साम्राज्य का अंग था। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, जिसमें अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर से मिलकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौरी सूफी मत का प्रसिद्ध केंद्र रहा। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने अपने गुरु के आदेशानुसार सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। वैसे इनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन अधिकतर समय इन्होंने नागौर में ही बिताया। आज भी इस सूफी संत की याद दिला रहा है यहाँ की मजार। इस मजार पर मोहम्मद बिन तुगलुक ने एक गुंबद का निर्माण भी करवाया था 1330 ईस्वी में। नागौर को जाटों का रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये नागौर यहाँ महान संतों और सुधारकों से बड़ी संख्या में जाट कुलों की उत्पत्ति का स्थान है। अगर हम दोस्तों बात करें वर्तमान नागौर की, तो यह फैला हुआ है 17,718 वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों, इस नागौर के अंदर 1624 गांव है। 2011 के अनुसार नागौर की जनसंख्या की बात करें तो 33,07,743 है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 4.82% है। जिले में 17,58,624 व्यक्ति साक्षर हैं, जो इसे जनसंख्या का 62.80% बनाता है। नागौर अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली व जोधपुर के साथ। यह राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है। इसका भौगोलिक विस्तार मैदान पहाड़ियों के रेत टीले का एक अच्छा संयोजन है, और इस तरह यह महान भारतीय थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये राजस्थान में बसा नागौर घूमने के लिए हद से भी बहुत ही सुंदर शहर माना जाता है, जो अपने महलों किलों के लिए राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है। साथ ही ये राजस्थानी कल्चर के लिए भी जाना जाता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्यटन स्थल की, वो है सैंड ड्यून्स विलेज। वास्तव में एक अद्भुत जगह है, जहां आपको एक शानदार अनुभव दे सकता है, जहां की ऊंट सफारी आपके लिए एक यादगार साबित हो सकता है। ड्यून विलेज तक आप केवल जीप ऊंट घोड़ों द्वारा ही पहुंच सकते हैं। यहां शांत वातावरण में घुलने के लिए एक देहाती परिवेश में झोंपड़ी बनी हुई है। यहां पर्यटकों को एक रूप से अद्भुत शांति मिल सकती है। यहाँ गांव में प्रदूषण से दूर रात बिताना एक अद्भुत और रोमांटिक अनुभव दे सकता है। यहाँ आपकी शाम को रोशन करने के लिए लाइव लोक संगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद है नागौर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नागौर का किला। राजस्थान का एक प्राचीन आकर्षण केंद्र नागौर का किला नागौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। पहले के समय में इसे युद्धों के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, और इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला इसे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। किले का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास नागवंशियों द्वारा किया गया था, और बाद में इसे 12वीं शताब्दी में गजनवी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस नागौर किले के भीतर कई महल स्थित है, या पर्यटक दीवारों के जटिल काम और अद्भुत सौंदर्य के आकर्षण दृश्य को देख सकते हैं। तो अगर आप नागौर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो इस किले को मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। दोस्तों, फिर अमर सिंह स्मारक। नागौर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। एक सुंदर पीले रंग के पत्थर का स्मारक अमर सिंह को समर्पित है, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया है, जो एक प्रसिद्ध राजपूत लोक मूर्ति थे। अकबरी महल नागौर के प्रसिद्ध महलों में से एक है, जिसे नागौर की याद में बनाया गया है, जिसे 1556 में अजमेर के राज्यपाल ने मुगलों से वापस ले लिया था।
महल के अंदर की कला और वास्तुकला में मुगलों और राजपूतों के अनूठे काम को दर्शाया गया है, जिसमें महलों के भीतर अधिकांश कला और वास्तुकला प्राचीन मुगल कला से प्रभावित देखी जा सकती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनी हुई है। तो अगर आप नागौर का प्लान बना ही लिया है घूमने का, तो ये भी ऐड कर दीजिए। खीमसर का किला राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करमसोत वंश के स्वामित्व में राव कर्मजीत द्वारा बनवाया गया था, जो राव जोधा जी के 8वें पुत्र थे और जोधपुर के संस्थापक थे। बता दें कि यह किला राजस्थान के नागौर जिले में खीमसर गांव के पास स्थित है। खीमसर किले की अद्भुत सुंदरता के कारण इसे अब एक हेरिटेज में बदल दिया गया है और इसका एक हिस्सा शाही परिवार के वंशजों द्वारा कब्जे में है। राजस्थान के नागौर जिले में एक चट्टान की 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कुचामन किला, नागौर के प्रसिद्ध किलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में राठौड़ शासक ठाकुर जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। 32 गढ़ों से घिरे किले में 10 बड़े द्वार है, जो विभिन्न पक्षों से किले में प्रवेश की अनुमति देते हैं। अब इसे पर्यटकों के लिए एक शानदार विरासत होटल में बदल दिया गया है। कुचामन ने जोधा अकबर और द्रोण जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए शूटिंग का स्थल भी माना जाता है। अर्थ कीमती पत्थरों और कांच से बने मूल अवशोषण सोने और प्राकृतिक रंगों से रूपांकन और फूलों से इस शानदार किले की आंतरिक दीवारों और स्तंभों को सजाया गया है। लंबी बालकनी, लटकते हुए सज्जे और राठौड़ वंश की लोकप्रिय लघु चित्रकारी इस शाही प्रतिष्ठान के मुख्य केंद्र हैं। तो दोस्तों, वैसे अजमेर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लाडनू, झोरड़ा। और दोस्तों, बात करते हैं नागौर के मेले के बारे में। नागौर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जोधपुर राजस्थान का नागौर मेला हर साल जनवरी फरवरी के दौरान आयोजित किया जाता है, जो 8 दिनों तक चलता है। यह नागौर मेला मवेशी मेले के रूप में भी लोकप्रिय है, क्योंकि नागौर मेला मुख्य रूप से जानवरों के व्यापार के बारे में है। इस मेले में लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है, जहां जानवरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। कुछ अन्य आकर्षण में मिर्च बाजार, लकड़ी के सामान, लोहे के शिल्प और ऊंट के चमड़े के सामान शामिल है, जो यहां के आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं पुरातत्व रुचि के स्थान जो नागौर में स्थित है, खरनाल। यह नागौर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान है। ऐसा माना जाता है कि खरनाल की स्थापना धौलिया जाट ने की थी। तेजा जी को लोक देवता माना जाता है और सभी समुदायों द्वारा पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश में मालवा में भी इनकी पूजा की जाती है। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल दशमी दिनांक 29 जनवरी 1074 को धौलिया गोत्र जाटों के परिवार में हुआ था। उनके परिवार चौधरी तहर जी खरनाल के एक सरदार थे। विष्णुई समुदाय के संस्थापक महान संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर में। पीपासर नागौर जिले की नागौर तहसील का एक छोटा सा गांव है। वही दोस्तों, आपको बता देते हैं खाटू। पृथ्वीराज रासो के अनुसार खाटू का पुराना नाम खटवान था। पुराना खाटू लगभग नष्ट हो चुका था। अब दो गांव है, एक को बड़ी खाटू और दूसरे को छोटी खाटू कहा जाता है। बड़ी खाटू की पहाड़ी पर एक छोटा सा किला है। किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। छोटी खाटू में एक पुराना बावड़ी स्थित है, जिसे फूल बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में करवाया गया था। यह बावड़ी अपनी स्थापत्य शैली में कलात्मक है। तो बस दोस्तों, नागौर के बारे में यही थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।